अस्सलामुअलैकुम। इस बार हम एक डिफरेंट चीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और उन सवालों में हमारे पास जो बेसिक चीज़ है वो ये कि हम सेक्शन 3 को अटेम्प्ट कैसे करें। सो मेरे पास एक टिप है आपके लिए और मैं अपने यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये बना रहा हूँ वीडियो। वो इसलिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेक्शन 3 को किस तरह स्मार्टली कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्टली करने का मतलब ये है कि गधों की तरह आपने सारी चीज़ें नहीं याद करनी। स्मार्टली आप कैसे एक्ट कर सकते हैं, मेरे सामने यहाँ पर एक पेपर खुला हुआ है 2018 का, ठीक है, गालिबन ये अक्टूबर नवंबर का पेपर है हिस्ट्री का। यहाँ पर आप देखिए सेक्शन ए में आपके पास सोर्स कौन सी आई है। आपके पास सेक्शन ए में जो कंपल्सरी सवाल है, कंपल्सरी सवाल आपका आया है सेक्शन 3 से। यही वो चीज है जो आपको बुरा लगता है या आपको डराती है कि सेक्शन 3 अगर कंपलसरी में आ गया तो हमारा क्या होगा। मैं इसी चीज को आसान करने वाला हूं। अगर तुम्हारे पास सोर्स आती है कोई भी लिखी हुई, तो इसमें से तो तुम्हारा फॉर्मूला वही है हमेशा का कि तुम सोर्स में से 3 बातें निकाल लोगे जो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तस्वीर तुम्हारे पास कोई सी भी आ जाए, वो तुम्हारे पास ज्योग्राफी की आ जाए, वो हिस्ट्री की आ जाए, वो सेक्शन ए हो, बी हो या मेरी आ जाए, तो भी बता दोगे तुम रेड शर्ट में था, दाढ़ी थी, चश्मा था, 3 बातें बता दी, तो तस्वीर का कोई मसला नहीं है। उन 5 मार्क्स को तुम कर लोगे, कम से कम 3-4 कर लोगे, क्योंकि तुम तस्वीर बता दोगे और तस्वीर के अंदर की सारी चीज बता दोगे। तस्वीर के नीचे एक टर्म लिखी हुई होती है जो तस्वीर का सोर्स बता रही होती है। बेटा वहीं से कैच कर लेना कि वो कौन सा टाइम है। ये 2 सवाल तो तुम निकाल लोगे। मसला किधर है, मसला इधर है। 7 मार्क्स को क्या करोगे, 3 फैक्टर्स चाहिए होंगे तुम्हें, अभी बात नहीं कर रहे उसके बारे में, आगे देखते हैं क्या है। हमारे पास 10 नंबर का सवाल होगा, वो सवाल आ रहा है यहाँ पर हाउ सक्सेसफुल ज़ियाउल हक वाज। ठीक है, अब हाउ सक्सेसफुल के लिए तुम्हें 10 मार्क्स के सवाल के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए भाई, 5 फैक्टर्स चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ सेक्शन 3 की तैयारी पूरे तौर पे मत करो। क्या सुना, पूरे तौर पे मत करो। 7 फैक्टर्स वाली तैयारी करो ही नहीं, तुम करो 5 फैक्टर वाली तैयारी। तुम अभी से सोच लो कि तुम्हें सेक्शन 3 मिलेगा कंपलसरी सवाल में, तो तुम्हें कौन सा सवाल अटेम्प्ट करना होगा, 10 मार्क्स वाला। तो 10 मार्क्स में कितने फैक्टर्स चाहिए, 5। तो अगर तुम ये सवाल कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे पास कितने सवाल रह जाएंगे, 2। बिल्कुल, तो सेक्शन बी में तुम्हें 4 में से 2 करने। तुम पहला सवाल तो सेक्शन 1 से आता है, पानी है, निकाल लोगे। दूसरा सवाल तो आ रहा है 1900 से 1947 तक आता है, ये सेक्शन भी तुम्हारा अच्छा है, तभी तो प्रे कर रहे थे कि सेक्शन 3 ना आए। इसका मतलब अगर ये 2 सवाल तुमने निकाल लिए तो क्या तुम्हें क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 और 5 देखने की जरूरत भी पड़ेगी नहीं। देखो जरा, तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट इस सवाल में क्वेश्चन 4 तुम्हारा कहां से आया हुआ, सेक्शन 3 सेक्शन 2 से आया। देखो रेड क्लिप अवार्ड नहीं बल्कि हाँ ये सेक्शन उसमें नहीं है, ये कॉम्बिनेशन में आया हुआ सवाल। देखो ये कॉम्बिनेशन में आया हुआ फलस्तीन का कॉज, रेड क्लिप अवार्ड ये सेक्शन 3 से, सर रेड क्लिप सेक्शन 2 सेक्शन 2 से है, लेकिन इसका जिक्र हमारे पास ज्योग्राफिकल लोकेशन वाले में आता है। ठीक है ना, टेक्निकली देखा जाए 16 अगस्त को वाला तो इंडिपेंडेंस की बात है, वो 47 का है, लेकिन इसका जिक्र हमारे पास वहां पे ही मिलता है जो हमारे पास ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसके साथ देखो तुम्हारे पास ये वाला सवाल जो है और ये वाला सवाल, ये तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन में आ रहा है 40 वाला सवाल और ये तुम्हारे पास इंटरनेशनल रिलेशन वाला सवाल है, इसका मतलब ये मिक्स होकर आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो चीज आ रही है वो लास्ट में तुम्हारे पास पूरा का पूरा सेक्शन और सेक्शन 2 अच्छा है। तुम सेक्शन 3 की तैयारी किस तरह करो, तुम सेक्शन 3 की तैयारी करो इस सवाल के हिसाब से कि तुम्हें बनाने हैं हर टॉपिक के 5 की पॉइंट्स, हर टॉपिक के, वेदर इट्स ज़ियाउल हक, whether it's Bhutto, whether it's Ayub Khan, Yahya Khan, Bangladesh ki creation, Benazir, Nawaz Sharif, kisi mulk ka relationship acha hai ya bura hai, sabke 5 points banao, kyunki un 5 points ko tum khologe kis sawal ke liye, 10 number ke sawal ke liye, 5
क्यों कह रहा हूं, 10 के लिए 5, 14 के लिए 7। क्लियर है यहां तक? स्टूडेंट के साथ ठीक है ना, कंक्लूजन जरूर देना भाई। अब इसमें तुम्हारे पास जियाउलहक के इस्लामाइजेशन में रिफॉर्म किए थे, कौन से 3 रिफॉर्म थे भाई? 3 देने ना, जियाउलहक के इस्लामाइजेशन के लिए 3 मेन चीजें क्या की थी याद करो, क्या हुदूद ऑर्डिनेंस टाइप की कोई चीज लाया था वो, क्या ज़कात ऑर्डिनेंस टाइप की कोई चीज लाया था वो, क्या इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज कंपलसरी कर दी थी उसने एजुकेशनल रिफॉर्म्स में, गज़ब ऑर्डिनेंस, ठीक है ना। इस तरह की चीजें तुम्हें याद रखनी है। इसी तरह ज़ियाउलहक की फॉरेन पॉलिसी के बारे में 78 से 88 तक किन मुल्कों के साथ कौन से ताल्लुकात रहे, रशिया के साथ अच्छे नहीं रहे थे, डेफिनेटली तुम्हारा अफगान मिरेकल वाला मामला चल रहा था, ठीक है ना। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे चल रहे थे, फॉरेन गले मिल के चल रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका की लड़ाई लड़ रहे थे ना और रशिया को मार रहे थे, ठीक है। तो ये दो रिलेशन तो तुम्हें वैसे ही पता चल गए। अब जो अमेरिका के साथ था उसके साथ अच्छे ताल्लुकात, जो रशिया के साथ था उसके साथ बुरे ताल्लुकात, इसको देख लेंगे सारी चीजें हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।